कुछ गाड़ियों में आमरस नहीं आता और हमें एक डेडिकेटेड अच्छा आमरस मिलता नहीं, तो आए आपको इस बॉक्स में दिखाते हैं जो आमरस है वो इनमें कैसे लगता है और उसको लगा के आप ड्राइविंग को कितना सुकून में लेके आ सकते हैं। तो अजय तो ये हमारा आमरस कंसोल बॉक्स है। मैं अगर सीट को थोड़ा टिल्ट कर दूं आपको आइडिया हो जाएगा कि न्यू गाड़ी के अंदर हमने इसको फिट किया है। आप इसके साथ देख सकते हैं कि हमारा इसका पैटर्न इंटीरियर के साथ कंप्लीट मैच हो रहा है। ये स्लाइड होके आगे पीछे भी आ सकता है। देन इसके अंदर एक स्टोरेज कैपेसिटी भी है जो कि इस फॉर्म के अंदर है नॉन स्लिप मैट के साथ। तो आमरस इंटीरियर के साथ तो मैच हो रहा है, बट ये हमारे पास बेज, ग्रे, रेड एंड ब्लू इन कलर्स के अंदर अवेलेबल है। नई गाड़ी हो और आपको हमेशा एक चीज़ तंग करती रहती है कि क्या हमारे टायर का प्रेशर ठीक है, या जहाँ से मैंने लास्ट हवा भरवाई थी उसकी गेज में फ़र्क था, गाड़ी लेफ्ट राइट जा रही है या बम्पी फील हो रही है, तो आप अपने साथ कह सकते हैं अपना पर्सनल टायर गेज जो कि डिजिटल फॉर्म के है। सिंपल इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद ये आपको दो मोड्स देगा, PSI और बार। तो टायर पर इसको चेक करते हैं। तो मींस ये एक्यूरेट प्रेशर बता रहा है जो कि 31.5 इस टायर के अंदर PSI हवा है। तो आप भी अपने साथ इस गाड़ी के अंदर कैरी कर सकते हैं और अपने टायर प्रेशर को मॉनिटर कर सकते हैं कभी भी कहीं पे भी, और आपको कभी भी ये डाउट नहीं रहेगा कि यार वहाँ से हवा ठीक थी या कम थी। कार्स्टर WD-1 जो कि मल्टी ग्रेड वैक्यूम क्लीनर है। बॉक्स में सबसे पहले आपके पास इसका कनेक्टिंग होज है जो कि प्लास्टिक फॉर्म का पाइप है। देन हमारे पास इसका अपहोल्स्ट्री कनेक्टर है। देन इसके कुछ एक्सटेंशन है जो कि हम आपको लेटर ऑन बताएंगे कि ये कैसे यूज हो सकते हैं। देन हमारा वैक्यूम क्लीनर होज को हम असेंबल करेंगे। इसके अंदर दो इनलेट्स हैं जहाँ पे आप एक के साथ वैक्यूम और एक के साथ ब्लोअर यूज कर सकते हैं। इसके साथ चार एक्सटेंशन हैं। एक्सटेंशन को माउंट करने से आपके होज की लेंथ लंबी हो जाएगी और आप इजीली अपने घर में कारपेट वगैरह को साफ कर सकते हैं और इसके आगे अपहोल्स्ट्री कनेक्टर लगा सकते हैं। फिल्ट्रेशन सिस्टम के अंदर आपको WD-1 के साथ तीन फिल्टर फॉर्म रिसीव होंगे। आप मेरे हाथ में देख सकते हैं दो फिल्टर्स और एक पेपर बैग। तो सबसे पहले पेपर बैग को माउंट करते हैं। पेपर बैग एक ऐसी एसेसरी की है जो कि अगर आप घर के अंदर या गाड़ी के अंदर कोई ऐसी चीज वैक्यूम से यूज करना चाहते हैं जिसको आप चाहेंगे कि यार ये मेरी वेस्ट ना जाए और मैं इसको दोबारा हासिल कर लूं, तो आप पेपर बैग लगा लेंगे जिसमें आपका सारा ड्राई फॉर्म और जो कलेक्टेबल आइटम है वो इसके अंदर जमा हो जाएगी और आप लेटर ऑन इसको रीयूज कर सकते हैं। देन हमारे पास फोम फिल्टर। फोम फिल्टर बेसिकली वेट के लिए है। जब आप वैक्यूम को वेट यूज करना चाहते हैं तो हम फोम फिल्टर यूज करेंगे। हमारा वैक्यूम रेडी है वेट टेस्ट के लिए। तो वेट टेस्ट के लिए आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कि एक जग है जिसके अंदर एक अच्छी क्वांटिटी पानी की है। तो हम वैक्यूम क्लीनर से इसको डायरेक्ट जो है यूज करेंगे और दिखाएंगे कि अगर आपके घर में या गाड़ी में कहीं पे पानी गिर जाता है तो आप उसको कैसे कुछ ही सेकंड्स के अंदर उठा सकते हैं। और ये सेकंड्स के अंदर पानी गायब, हमारा सारा पानी हमारे वैक्यूम की बकेट के अंदर आ चुका है। आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से अपनी गाड़ी के अंदर कुछ भी लिक्विड गिर जाए तो उसको लिफ्ट कर सकते हैं और घर के अंदर भी या बेडरूम्स वगैरह के अंदर भी। हम अपनी बकेट को अच्छे से कपड़े से साफ कर लेंगे। अब नेक्स्ट फिल्टर की तरफ चलते हैं जो कि हमारा फैब्रिक फिल्टर है और इसको चढ़ाना भी बहुत आसान। हमारा वैक्यूम रेडी है अब सफाई के लिए। कारपेट्स हो या कॉर्नर एरियाज, हमारा वैक्यूम क्लीनर ईजिली डस्ट पिक कर सकता है हर एज से। तो कार्स्टर WD-1 के साथ हम मिनटों में अपना कारपेट को साफ कर सकते हैं, डीप से डीप डस्ट जो है वो इसके साथ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ना सिर्फ वैक्यूम बल्कि एक और इसका फंक्शन जो कि हमारी गाड़ी को मेंटेन करने के लिए बहुत फायदेमंद है, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि WD-1 ना सिर्फ वैक्यूम बल्कि ब्लोअर भी है। तो ब्लोअर को यूज करने के लिए हम फ्रंट के बजाय रियर माउंट के ऊपर इसका होज पाइप कनेक्ट कर देंगे और जब भी आप गाड़ी वॉश करते हैं या इंजन पे वॉश करते हैं या ऐसे एरियाज जहां पे गाड़ी के ऊपर पानी खड़ा हो जाता है तो हम वैक्यूम के साथ इसको चंद ही सेकंड्स के अंदर ड्राई कर सकते हैं। अलॉय रिम्स, बम्पर, ग्रिल्स और नैरो एजेस एरिया से हम आराम से पानी निकाल सकते हैं WD-1 के साथ।
गाड़ी को इंस्टेंटली साफ करना है तो आपके लिए लेके आ रहे हैं मैक्सिस का एक वैक्यूम क्लीनर जो कि पोर्टेबल है, 12 वोल्ट सेकंड लाइटर के सपोर्ट के साथ चलेगा। तो आए आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है और ये कैसे टाइम सेव कर सकता है। तो नई गाड़ी के अंदर हमें इंस्टेंटली जो है हमारे शू डस्ट होती है, इस गाड़ी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा हैवी डस्ट नहीं है, तो हम मैक्सिस का वैक्यूम क्लीनर यूज़ करेंगे। अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसका पाइप, इसका एक और फेस, देन ब्रश फेसिंग, देन हमारा वैक्यूम क्लीनर और यूज़र मैनुअल इसके अंदर इंक्लूड है। तो 12 वोल्ट सिग्नल लाइटर सपोर्ट के साथ ये चलेगा। तो हम सबसे पहले इसको पावर सप्लाई देते हैं। पावर सप्लाई देने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे कारपेट वाले एरिया के अंदर माइल्ड डस्ट है, तो इसका जो फेस है वो हम इसके अंदर फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद मैं ब्रश वाला यूज़ करूँगा ताकि हमारे जो डस्ट है वो अच्छे से एक्सट्रैक्ट हो जाए। वैक्यूम ऑन करते हैं और ये इसका फिल्ट्रेशन सिस्टम है। तो लेट्स डू सम क्लीनिंग। आप देख सकते हैं कि फिल्टर के अंदर क्या सूरत हाल है। मज़ीद फाइन करने के लिए कुछ ऐसे एरियाज जहां पे हमारी रीच नहीं है वहां हम इसका दूसरा फेस यूज़ कर लेंगे। तो कैबिन तो साफ हो गया, अब बारी है वैक्यूम क्लीनर को सर्विस करने की। इसको साफ करना इंतहाई आसान है। इसके ऊपर वन लॉक है, हम इसको प्रेस करेंगे, हमारा फेस उतर जाएगा। देन इसकी फिल्टर असेंबली जो कि इस बटन से उतर जाएगी। तो इस बटन से उतरने के बाद हम दिखाते हैं कि इसने हमारी गाड़ी में से क्या डस्ट एक्सट्रैक्ट की है। तो इस तरह हम फिल्टर को झाड़ के रीयूज कर सकते हैं।